हेलो एंड वेलकम टू द क्रॉनिकल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माय नेम इज आलोक सिंह और हमारे 500 एमसीक्यू सीरीज जो कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रख के रन करा रहे हैं, उसका आज हमारा हिस्ट्री का सबसिक्वेंट पार्ट 7 के सेशन को आज हम डील करेंगे। तो आज के सेशन में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डील करेंगे। जो आज का पहला क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं कि मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। यूपीएससी में जनरली जो है टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि लास्ट ईयर सब्सिक्वेंट 2023 में इसी थीम पे बेस्ड क्वेश्चन टर्म बेस्ड पूछा गया था, उसी के प्रेमाइस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोलता है द टर्म पर्टा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो टर्म है पर्टा ये किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपसे बोलता है द लैंड केप्ट फैलो टू इम्प्रूव द क्वालिटी, ऐसी जमीन या ऐसी भूमि जिसको ऐसे छोड़ा गया हो ताकि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। ऑप्शन बी आपसे बोलता है द कॉइन यूज ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्के यूज किए जाते थे उनको शायद पर्टा बोला जाता है, ये बोल रहा है। ऑप्शन सी आपसे बोलता है द पेंटिंग टेक्निक यूज ड्यूरिंग द मेडिवल मुगल पीरियड, मुगल पीरियड में जो पेंटिंग पद्धति यूज की जाती थी उसके उससे एसोसिएटेड है पर्टा टर्म। एंड ऑप्शन डी आपसे बोलता है द शिप बिल्डिंग टेक्निक ड्यूरिंग द चोला पीरियड, चोला साम्राज्य के टाइम पीरियड पे जो शिप बिल्डिंग जो नावों का निर्माण होता था उससे एसोसिएटेड है ये पर्टा टर्म। नाउ वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार देखें, चारों ऑप्शन को एनालाइज करें एंड करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। नाउ लास्ट ईयर 2023 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में सिमिलर बेसिस पे एक टर्म पूछा गया था, द टर्म फनम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। फनम टर्म का यूज किया गया था और इसी प्रेमाइस पे चार ऑप्शन दिए गए थे एंड आपको आइडेंटिफाई करना था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। उसी प्रेमाइस पे ये क्वेश्चन लिया गया है। एंड सब्सिक्वेंट जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो विजयनगर एम्पायर हमारे कोर्स के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है। 200 साल तक जो है विजयनगर एम्पायर ने रूल किया था इन सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो उससे बेस कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और उसी बिहा पे इस क्वेश्चन को लिया गया है। ये पर्टा टर्म जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, कॉइन यूज किया जाता था विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे, उसी से एसोसिएटेड है। नाउ द विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स यूज किए जाते थे, जो सोने के सिक्के होते थे जो यूज किए जाते थे, उनको वराह और पगोडास बोलते थे, राइट। ये सोने के सिक्के जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे यूज किए जाते थे उनको या इधर वराह और पगोडास बोले जाते थे। और इन्हीं वराह या पगोडा का जो 1/2 होता था, यानी कि हाफ होता था, हाफ ऑफ द वैल्यू जो होता था, उन्हीं को जो है पर्टा टर्म यूज किया जाता था, राइट। तो ये जो गोल्ड कॉइन्स विजयनगर एम्पायर में यूज किए जाते थे उनको वराह या पगोड़ा बोलते थे और उन्हीं का हाफ पार्ट, हाफ जो होता था उसको पर्टा बोलते थे। और इसी पर्टा का जो 1/10 होता था उसको लास्ट ईयर जो यूपीएससी ने पूछा था फनम, इसी पर्टा का 1/10 पार्ट को जो है फनम बोलते थे। तो ये जो है विजयनगर एम्पायर से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी है, उस टाइम पे जो कॉइनेज यूज में थे उनसे एसोसिएटेड इस टर्म को लिया गया है। विजयनगर एम्पायर एज यू नो कि 1336 में हरिहरा एंड बुक्का ने जो है विजयनगर एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की थी, हरिहरा एंड बुक्का ने 1336 में सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, मॉडर्न आपका जो कर्नाटका रीजन है वहाँ पे तुंगाभद्रा रिवर के विसिनिटी पे ही आपका विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश किया गया था। ये विजया टर्म जो है हरिहरा एंड बुक्का के जो आपके रूलर है, गुरु थे, उनके गुरु विद्या जो है उनके नेमिंग के बिहा पे विजयनगर एम्पायर को और इसका नाम रखा गया था। तो एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर, बेटा आपकी मेडिवल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से 200 सालों तक रूल किया था। एंड मोर स्पेसिफिक यूपीएससी का भी एक फेवरेट जोन है मेडिवल हिस्ट्री में, जहां से टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ कुछ और टर्म्स यहां पे देख लें। जो पहला आपका दिया गया था लैंड केप फैलो टू इम्प्रूव द क्वालिटी, एक सिमिलर ऑप्शन इस टर्म के बिहा पे, यहां पे पर्टा टर्म यूज किया गया, लेकिन हिंदी में ऐसा खेत जो कुछ टाइम के लिए उसकी क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे फैलो छोड़ा गया हो, यानी कि यहाँ पे कुछ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जा रही हो और 2-3 साल तक उसको ऐसा फैलो छोड़ा गया हो तो उसको परती बोलते हैं, हिंदी में उस टर्म को यूज़ किया जाता है, परती ऐसी ज़मीन को। तो ये भी कुछ एसोसिएटेड टर्म है परता से एसोसिएटेड, इसीलिए ऑन पर्पज़ इस क्वेश्चन को डाला गया है ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन एक एस्पिरेंट के माइंड में क्रिएट हो।
ऑप्शन सी जो है आपकी यहाँ पे पेंटिंग टेक्निक ड्यूरिंग मुगल पीरियड के बारे में बोला है। नाउ पित्रा द्वारा के बारे में भी हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे कि पित्रा द्वारा जो है शाहजहां के टाइम पे ये टेक्निक यूज की गई थी। कुछ सिमिलर पर्टा भी इसी से एसोसिएटेड है। तो नेगेटिव मार्किंग में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे टर्मिनोलॉजीज डाल सकता है, तो इसको पित्रा द्वारा से कंफ्यूज नहीं करना है। पित्रा द्वारा जनरली एक टेक्निक जो शाहजहां के टाइम पीरियड पे यूज की गई थी, जिसमें जो ब्यूटीफुल स्टोन्स होते थे उनको चीजल किया जाता था, उनको एक प्रॉपर शेप में ला के मार्बल्स में एंग्रेव किया जाता था। तो कभी भी आप मुगल टाइम पीरियड में बेस्ड आर्किटेक्चर देखेंगे तो जो वॉल होते थे मार्बल से बने हुए, जो संगमरमर से बने हुए वॉल होते थे, उन पे ब्यूटीफुल स्टोन्स की इंग्रेविंग होती थी, राइट? और उसी टेक्निक को जो है पित्रा द्वारा बोलते हैं। ये एक रोमन टेक्निक है, वहां से लिया गया है और शाहजहां के टाइम पीरियड पे इसका यूटिलाइजेशन किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका जो पहला क्वेश्चन है इसी से एसोसिएटेड है। यू कैन सी दिस एक्सप्लेनेशन की गोल्ड कॉइंस एज आई डिस्कस की वराह या पगोड़ा बोलते थे, और उनका हाफ जो वराह का हाफ होता था वो यू नो पर्टा होता था। एंड सिमिलर इसी बिहाफ पे जो है फर्दर जो डिस्कशन दी गई है। एंड जो पित्रा द्वारा के हमने टाइम पीरियड में बोला गया कि शाहजहां का टाइम पीरियड जो था गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर है, उसमें जो है पित्रा द्वारा का यूटिलाइजेशन किया जाता था। तो ये कुछ आपसे क्वेश्चन का जो है इसका आंसर, ये पर्टिकुलरली आप यू कैन सी कि पर्टा का जो है ये आपकी गोल्ड कॉइंस यूज्ड ड्यूरिंग द विजयनगर टाइम पीरियड है। नाउ सब्सिक्वेंटली प्रोसीड करते हैं फर्दर आपकी जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जो है फिलॉसफी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियसली आपकी जो है 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज के बारे में भी यूपीएससी में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी फिलॉसफीज हैं एज क्वेश्चन मेंशन करता है, मोर पर्टिकुलर इन रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट के टाइम पीरियड पर जो कुछ आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई थी उनके बिहाफ पे भी क्वेश्चन यूपीएससी टाइम एंड अगेन पूछता रहता है। तो उसी प्रेमाइज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें फॉलोइंग पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है आपकी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको फिलॉसफीज दी गई हैं। ये 4 लिस्ट ऑफ फिलॉसफी डिफरेंट फिलॉसफीज हैं, और उनके प्रोपोनेंट कौन थे, किन किन इंडिविजुअल्स ने इन फिलॉसफीज का जो है प्रोपोनेंट किया था, उनमें 4 इंडिविजुअल्स आपके मेंशन किए गए हैं, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और करेक्ट। यहाँ पे कितने पेयर्स करेक्टली मेंशन किए गए हैं उनको आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, पहली फिलॉसफी आपकी अद्वैत बोली गई है, और अद्वैत में बोला गया है कि इसके प्रोपोनेंट जो है आपके आदि शंकराचार्य हैं। तो क्या एक करेक्टली मैच है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। जो सेकंड ऑप्शन आपका है उसमें विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में बोला गया, इसको बोला गया है इसके प्रोपोनेंट जो है रामानुजाचार्य हैं। तो क्या करेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। थर्ड जो आपका है शुद्ध अद्वैतवाद के बारे में बोलता है, ये बोला गया है कि माधवाचार्य जो है इसके प्रोपोनेंट हैं। तो क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। द्वैतवाद के बारे में बोला गया है कि वल्लभाचार्य जो है इसके प्रोपोनेंट हैं। तो इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कितने करेक्ट हैं आपके, क्या एक पेयर करेक्ट है, क्या दो पेयर करेक्ट हैं, तीन करेक्ट हैं, या चारों के चारों ही करेक्ट हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ ये प्रॉपरली एक थीम बेस्ड क्वेश्चन हमने बनाया है, यूपीएससी एक्सट्रापोलेट करके आपसे इनकी फिलॉसफीज के बारे में पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपके जो प्रोपोनेंट कौन है इनके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इन फिलॉसफीज पे आ सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इनकी एक्सप्लेनेशन भी आप ध्यान से रखें। नाउ 7th सेंचुरी एडी के अराउंड जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भक्ति मूवमेंट की बिगिनिंग होती है, इसमें ऑल्दो आदि शंकराचार्य का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन इन्होंने जो भी आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट उस टाइम पे इंडियन लैंडमार्क पे दी, तो इनको भी ऐसा प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट की बिगिनिंग में इनको ऐसा प्रोपोनेंट माना जाता है। और इन्होंने जो है एक इंडिविजुअल और गॉड के बीच में क्या रिलेशन है, एक इंडिविजुअल यानी कि जो भी यूनिवर्स में जो कोई भी लिविंग एंटिटी है या नॉन लिविंग एंटिटी, उसका संबंध भगवान से क्या होगा, उस थ्योरी पे जो है अपनी इस फिलॉसफीज को दिया था, और इसी पर्सपेक्टिव में इन्होंने जो अद्वैत फिलॉसफी की जो है प्रोपोनेंट की थी। तो जो ऑप्शन 1 है आपका पहला स्टेट पेयर तो करेक्ट है, अद्वैत फिलॉसफी को जो है आपकी नॉन डुअलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, राइट? नॉन डुअलिज्म और मोनिज्म,
आदि शंकराचार्य का थॉट प्रोसेस था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि जो ब्रह्म है वही अल्टीमेट रियलिटी है, गॉड ही अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी जो कुछ भी है यूनिवर्स में वो एक इल्यूजन है, इल्यूजन है। और इल्यूजन क्यों है, मतलब जो चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं है। और ये इल्यूजन इसलिए है कि इंडिविजुअल के बीच में नॉलेज का जो गैप है, जो अज्ञानता का भाव है, वो है नॉलेज की कमी की वजह से। तो जो अद्वैत फिलॉसफी है वो गॉड को ही, ब्रह्म को ही अल्टीमेट रियलिटी मानती है और वर्ल्ड को इल्यूजन मानती है, राइट। इसके प्रोपोनेंट आपके आदि शंकराचार्य हैं, तो ये पहला पेयर तो करेक्ट हो जाता है। दूसरा पेयर जो है आपका विशिष्ट अद्वैतवाद है। नाउ विशिष्ट अद्वैतवाद को जो है क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म बोलते हैं, राइट, इंग्लिश में। और इसमें यह प्रपाउंड किया गया था कि ब्रह्म अलॉन्ग विद द यूनिवर्स दोनों की एग्जिस्टेंस है, लेकिन यूनिवर्स जो भी एंटिटी है वो ब्रह्म का ही हिस्सा है, राइट। और इसके प्रोपोनेंट जो थे रामानुजाचार्य थे। तो पहली फिलॉसफी में तो ऑल टुगेदर डिनाई कर दिया गया था कि यूनिवर्स जो है एक इल्यूजन है, एक मिथ्या है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि यूनिवर्स है लेकिन वो ब्रह्म का ही हिस्सा है, राइट। जैसे गॉड है, ब्रह्म ये आपके इसी के एम्बिट में जो है आपकी यूनिवर्स आती है, राइट। तो इसको जो है फर्दर रामानुजाचार्य ने इस फिलॉसफी को जो है डेवलप किया था, इस फिलॉसफी के प्रोपोनेंट जो है रामानुजाचार्य हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही आपके सही हो जाते हैं। नाउ जो तीसरा शुद्ध अद्वैतवाद है, इसमें यहाँ पेयरिंग दी गई है माधवाचार्य। तो ये शुद्ध अद्वैतवाद को जो है आपके वल्लभाचार्य जी ने, फिलॉसफी के जो प्रोपोनेंट हैं वो वल्लभाचार्य। तो ये ऑप्शन थर्ड तीसरा जो आपका गलत हो जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद में ही पुष्टि मार्ग का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो है पुष्टि मार्ग का वर्णन किया गया है, इसमें भगवान कृष्ण की जो है पूजा होती है, राइट। तो पुष्टि मार्ग की मेंशनिंग भी शुद्ध अद्वैतवाद में की गई, और उसके प्रोपोनेंट जो है आपके वल्लभाचार्य हैं। एंड सिमिलरली जो द्वैतावाद, ड्यूअलिटी के बारे में बोली गई, यानी कि ब्रह्म और यूनिवर्स दोनों की ही इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको द्वैतावाद बोला जाता है, यानी कि ड्यूअलिटी एक कंफर्मेशन है, ड्यूअलिटी है। और उसके प्रोपोनेंट जो है आपके माधवाचार्य हैं। तो ये दोनों ही पेयरिंग थर्ड और फोर्थ आपके यहाँ इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी। ओनली टू पेयर सा करेक्ट, पहले और दूसरे गलत हैं, तीसरे और चौथे आपके रॉन्ग। शुद्ध अद्वैतवाद के जो प्रोपोनेंट है वो वल्लभाचार्य हैं, जिस इस फिलॉसफी में आपकी पुष्टि मार्ग का मेंशनिंग की गई है। द्वैतावाद में की जो प्रोपोनेंट हैं वो माधवाचार्य हैं। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। यहाँ का ऑप्शन बी जो करेक्ट है कि अद्वैतवाद फिलॉसफी के आदि शंकराचार्य हैं जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ब्रह्म सत्य है। विशिष्ट अद्वैतवाद जो ये बोलता है कि यूनिवर्स ब्रह्म का ही हिस्सा है, राइट। और उसके प्रोपोनेंट जो है आपके रामानुजाचार्य हैं। शुद्ध अद्वैतवाद यू कैन सी कि पुष्टि मार्ग जिसमें कृष्ण भगवान की वर्शिप है, उसको वल्लभाचार्य जी ने प्रोपोनेंट किया था। और उसकी क्या कोर फिलॉसफी है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि इधर से प्रोबेबिलिटी की हो सकता है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पुटअप किया जाए। जिनका फिलॉसफी ऑप्शन है उनके लिए तो वेल टू गुड है, काफी डीप में पता होगा, लेकिन जो जनरल स्टडीज के स्टूडेंट है एक बार इनको रिवाइज कर लें। सिमिलरली द्वैतावाद का जो है यहाँ पे माधवाचार्य जी को जो है इसका प्रोपोनेंट माना गया है। तो विद दैट पर्सपेक्टिव करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन टू हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के टॉपिक को आपको रिवाइज करने के लिए मोर स्पेसिफिक टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस को मैंने डाला है, ताकि साथ ही साथ आपका रिविजन भी होता रहे मेडिवल हिस्ट्री का। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछता है वो पूछता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ विजयनगर एम्पायर के एक इंपॉर्टेंट रूलर है कृष्ण देव राय, उनके पर्सपेक्टिव में इन चार स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, और उसमें से फिर देखना है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपसे बोलता है, फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक निकोलो कोंटी एंड निकिटिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। भारत में जो है ये दो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, निकोलो कोंटी और निकिटिन, ये कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे। पहला ये स्टेटमेंट हमसे बोलता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन टू जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमसे बोलता है, टू सिटीज दैट इज विजयनगर एंड नागलपुरम वेर फाउंडेड बाय हिम। इसमें ऑप्शन टू आपसे बोल रहा है कि विजयनगर के जो अंपायर के रूलर हैं कृष्णदेव राय, उन्होंने दो शहरों की स्थापना की थी, जिसमें पहला शहर है विजयनगर और दूसरा है नागलपुरम। तो ये क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन थ्री हमसे बोलता है, द हजारा रामा टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल।
इन्हीं के टाइम पीरियड, इन्हीं के रूल पे टाइम पीरियड में जो है हजारा राम टेम्पल का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो क्या हम ये सही है, क्या ये गलत है, ये हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन ऑप्शन फोर सीज दैट द बुक राय वाचकमु गिव डिटेल्स अबाउट द नायक सिस्टम अंडर हिज रूल। यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया है और उसमें ये बोला गया है कि द नायक सिस्टम अंडर हिज रूल के बारे में ये किताब जो है मैंशनिंग करती है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि चौथा सही है या गलत है। नाउ विजयनगर एक इम्पॉर्टेंट, एज आई डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन में, कि एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, एक इम्पॉर्टेंट रूल था। करीब 200 सालों तक इस डायनेस्टी ने जो है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में रूल किया। अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते थे, अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते थे, राइट। तो ये विजयनगर एम्पायर को 1336 में हरिहरायन बुक्का ने इस्टैब्लिश किया था, राइट। हरिहरायन बुक्का ने इस विजयनगर एम्पायर को इस्टैब्लिश किया था और सब्सिक्वेंट इसमें जो है चार डिफरेंट डायनेस्टी, एक तो संगम डायनेस्टी होगी, दूसरा आपकी जो है सुलुवा डायनेस्टी रूल किया इस विजयनगर एम्पायर पे, तीसरी आपकी जो है तुलुवा डायनेस्टी है, एंड द लास्ट वॉज अरविडु डायनेस्टी ने जो है इस संगम आपकी विजयनगर एम्पायर पे जो रूल किया। तो वन बाई वन संगम डायनेस्टी, सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और अरविडु डायनेस्टी ने जो है टाइम एंड अगेन विजयनगर एम्पायर पे रूल किया। और ये जो किंग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कृष्णदेवराय, ये आपके जो है इस तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इम्पॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया। तो इन्हीं के पर्सपेक्टिव में ये दिया गया है। इसमें बोला गया है पहला स्टेटमेंट कि फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक निकोलो कॉन्टी एंड निकिटिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। तो क्या ये सही है गलत है, ये हमें देखना है। निकोलो कॉन्टी जो है 1420 में 1420 के टाइम पीरियड पे विजयनगर एम्पायर में विजिट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कृष्णदेव राय वॉजेंट रूलिंग द विजयनगर एम्पायर, रेदर देव राय थे। देव राय वन जो है ये भी विजयनगर एम्पायर को रूल कर रहे थे, इनके टाइम पीरियड पर निकोलो कॉन्टी जो विजयनगर विजयनगर एम्पायर में रूल करने आते हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव से पहला तो गलत है। निकिटिन जो है एक रशियन ट्रैवलर थे, राइट। निकिटिन एक रशियन ट्रैवलर हैं जो कि बहमनी किंगडम, विजयनगर के टाइम पीरियड, विजयनगर के कंटेम्प्रेरी एक नेबरिंग एम्पायर था जिसको बोलते हैं बहमनी किंगडम, उसमें जो है ये मोहम्मद शाह थर्ड के टाइम पीरियड पर जो है निकिटिन इंडिया में आते हैं और इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने ट्रैवल लॉग में देते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से जो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट, ये गलत हो जाता है, राइट। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट आप देख लो, निकोलो कॉन्टी जो है देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड पे आए थे। सिमिलरली अब्दुल रजाक के बारे में बोलेगा कभी आपसे, ट्रैवलर्स के बारे में बोले, अब्दुल रजाक जो है ये देवराय टू के टाइम पीरियड पे जो है विजयनगर एम्पायर में आते, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, टू सिटीज विजयनगर एंड नागलपुरम वेर फाउंडेड बाय हिम। नाउ एज आई मेंशन कि 1336 में विजयनगर एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट होती है, तो ये पहला पार्ट जो आपका विजयनगर यहाँ पे बोला गया, इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हरिहरायन बुक्का ने की थी, तो पहला ये तो आपका गलत हो जाता है। लेकिन ये सिटी जो है नागलपुरम, इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है कृष्णदेव राय ने की थी अपनी मदर के नेमिंग के बिहाफ पे, अपनी माँ को समर्पण करते हुए एक नई सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की थी कृष्णदेव राय ने, और सिटी को जो है नागलपुरम बोलते हैं। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो उस पर्सपेक्टिव से सेकंड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ जो तीसरा आपका स्टेटमेंट है कि हजारा राम टेंपल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल, ये सी करेक्ट स्टेटमेंट है कि कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पे ही इस टेंपल का कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसको हजारा राम टेंपल बोलते हैं। और ये टेंपल ऑफ अ रीसेंट न्यूज में भी रहा है, न्यूज में इसलिए रहा है कि इस टेंपल में जो पिलर्स बनाए गए हैं वो डिसमेंटल हो रहे, टूट रहे, इन पे कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट न्यूज में रहा है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन शायद इस टेंपल पे बेस्ड पूछा जा सकता है। तो हजारा राम टेंपल किसने बनाया, विजयनगर के एम्पायर के रूलर थे कृष्णदेव राय जी ने, इन्होंने इस कृष्ण हजारा राम टेंपल को बनाया। नो जो चौथा ऑप्शन यहां पे दिया गया है, एक बुक का नाम दिया गया है राय वाचकमु, ये बोलता है कि इट गिव्स डिटेल अबाउट द नायक सिस्टम अंडर हिज रूल। तो सेकंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट ये बोलता है कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर है कृष्णदेव राय, इनके टाइम पीरियड पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसको नायक सिस्टम बोलते थे, ये खुद स्टेटमेंट बोल रहा है। तो क्या ये करेक्ट है? यस इट्स करेक्ट कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर है कृष्णदेव राय, इनके टाइम पे जो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको नायक सिस्टम बोलते थे, राइट। नायक सिस्टम बोलते थे, ये एक तरह से फ्यूडल प्रैक्टिसेस
ड्यूरिंग यूरोप में जो होता था राइट, उसी के बिहार पे ये नायक सिस्टम बनाया गया था, जिसमें जो लैंड होता था, जो विजयनगर अंपायर के रूलर होते थे, लैंड जो है नायक्स को दे देते थे राइट। और ये नायक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो किंग है, जो किंग है उनके लिए आर्मी प्रोवाइड करने, एक स्टैंडिंग आर्मी की देखभाल जो ये नायक्स करते थे। और इसी लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे जो आर्मी की देखभाल करते थे, एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है ये किंग को भी प्रोवाइड करते थे राइट। सर्टेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इन नायक्स सिस्टम, ये जो नायक्स होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, वो किंग को भी देखते थे। और किंग के लिए एक सर्टेन फोर्सेज, जो आर्मी या सोल्जर्स का जो देखभाल करना है, वो ये नायक्स मेंटेन करते थे। और इसी लैंड से जो रेवेन्यू डेवलप होता था, उसी रेवेन्यू से इस स्टैंडिंग आर्मी को भी रखते थे। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये कलेक्ट है, और ये इसी बुक में मेंशन किया गया, राय वचक आमू में इस बुक में इस नायक सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया। तो उस पर्सपेक्टिव से ही आपका चौथा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 3 और 4 करेक्ट है। उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे इस बुक के अलावा अमुक्त मल्याद भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। जैसे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताती है, वैसे कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर के बारे में अमुक्त मल्याद एक बुक है जो वहाँ की सोशियो पोलिटिकल कंडीशन के बारे में बताती है, और उसको ऑथर भी कृष्णदेव राय जी ने ही किया था। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बींग यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। Now, you can see the, you know, explanation over here, कौन कब आया था, as I discussed, मोहम्मद शाह 3 के time period पे, ये जो आपके निकटीन आए थे, and subsequent निकोलो कॉन्टी जो है देवराय 1 के time period पे, and these are the developments, जो सिटी का establishment, नागलपुरम जो उनकी मदर थी, कृष्ण देवराय की मदर जो थी नागला देवी, उनके नेमिंग नाम के भी हाँ पे सिटी का establishment किया था, and subsequent temples, और जो भी details है यहाँ पे नयनकारा सिस्टम, जो नायक सिस्टम के बारे में बताया गया है, कैसे ईस्टर्न यूरोप के जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है उसी के बिहार पे इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाया गया था, जहाँ से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे फ्रॉम देयर टेनेंट्स, आर्मी को सपोर्ट दिया किया जाता था, मेंटेन किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, और उसको जो है जो रूलर होता था विजयनगर एम्पायर को, उसको जो है ये नायक्स प्रोवाइड करते थे। तो दीज आर द बेसिक डिटेल्स, वीडियो को पॉज करके एक बार आप इनको रिवाइज करें। एंड सब्सिक्वेंट एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि जो बुक यहाँ पे मेंशन कि राय वचकामु, इसमें जो है विजयनगर एम्पायर और टर्किश फोर्सेस के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके बारे में भी, एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मॉडर्न इंडिया से लिया हुआ क्वेश्चन है, क्वाइट इजी है। आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो अगर आपने मॉडर्न इंडिया एवरेजली भी ढंग से पढ़ी हो। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना से रिलेटेड इनमें से 4 पर्सनालिटीज दी गई हैं, और उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज इससे एसोसिएटेड है। पहला जो आपका सुभाष चंद्र बोस हैं, सेकंड से इज फॉर सीआर दास, एंड थर्ड से इज फॉर जवाहरलाल नेहरू, एंड फोर्थ से इज फॉर मोतीलाल नेहरू। इन 4 इंडिविजुअल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन जो है स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि चारों के चारों ही एसोसिएटेड हैं। ऑप्शन बी से पहला, दूसरे और तीसरे इंडिविजुअल इससे एसोसिएटेड हैं। ऑप्शन सी से कि दूसरे और तीसरे, यानी कि सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू इससे एसोसिएटेड है। एंड ऑप्शन डी से सेकेंड एंड फोर्थ, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू इससे एसोसिएटेड है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके रीड करें और करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। नाउ ये स्वराज पार्टी जो है 1923 में जो है एस्टैब्लिश की गई थी, और इसके पीछे रीज़न क्या था, कॉज क्या था जिसके बिहा पे ये स्वराज पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसके पीछे हम बैकड्रॉप में थोड़ी डेवलपमेंट को देखते हैं 1920 में गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, ऑल बिकॉज कि उस टाइम पे जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स अपने बहुत ही रिप्रेसिव मेजर्स ले रहे थे, जैसे कि रॉलेट एक्ट का इम्पोजिशन हुआ, जलियांवाला बाग का मैसेकर शुरू हुआ राइट। तो इन सारे डेवलपमेंट्स के बिहाफ पे गांधी जी एक मास मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत बोलते हैं। इसमें गांधी जी अपील करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंडियन इंडिविजुअल्स जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उससे एब्स्टेन कर दें, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ दें, किसी भी कॉलेजेस स्कूल कॉलेजेस जो
ब्रिटिशर्स के थ्रू स्पॉन्सर्ड, उनको छोड़ दिया जाए, यानी कि वहां ना जाया जाए, कोई भी ब्रिटिश उसमें सर्विसेज में अगर काम कर रहा है तो वो उस सर्विसेज को छोड़ दें, यानी कि टोटल नॉन कोऑपरेशन ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने गांधी जी ने ये आइडिया डेवलप किया था। लेकिन 1922 में जो है ऑन अप्रैल 5th of February जो है, राइट 5th of February 1922 को जो चौरी चौरा इंसिडेंट की शुरुआत होती है, इस चौरी चौरा इंसिडेंट जो है आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन था ब्रिटिशर्स, जहाँ पे लोकल इंडिविजुअल्स आते हैं और इस पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स इसमें मारे जाते हैं। तो गांधी जी जो है एट अ पीसफुल जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत कर रहे थे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे बेस था, लेकिन जैसे ये चौरी चौरा जो कि वायलेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होता है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी जो विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। गांधी जी जब इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते तो होल कंट्री में जो मासेज इसमें इन्वॉल्व थी, यूथ बहुत सारे इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट पे, वो डिसकंटेंटेड फील करते हैं कि गांधी जी ने आज ये ऐसा क्यों किया। तो उनमें से कुछ डिसग्रंटेड यूथ थे जो कि पॉलिटिकली एक्टिव थे, और गांधी जी का जो ओपिनियन पहले था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से विड्रॉ कर लेना चाहिए, उस चीज उस पर्सपेक्टिव से कुछ जो मेंबर्स थे रेवोल्यूशनरी हमारे जो फाइटर्स थे वो अगेंस्ट में थे। तो उसके अगेंस्ट में जो है इस स्वराज पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट 1923 में होती है, और उसके जो फाउंडिंग फादर्स है वो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं, जो कि 1923 में स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। इनका पर्सपेक्टिव ये था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चाहे वो सेंटर हो या प्रोविंसेस में हो, एंटर करके अपनी बात को रखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, और इस पर्सपेक्टिव से इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो उस पर्सपेक्टिव से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन डी, दैट इज चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू वेर द टू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि एसोसिएटेड स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन से रिलेटेड। नाउ दीज आर द बेसिक एक्सप्लेनेशन, एक बार वीडियो को पॉज करें, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास की गई थी, और उसी के बिहाव पे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन कर रही थी, उसी के बिहा पे स्वराज पार्टी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करने की बात करती है। और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी थी कि स्वराज ये इतनी सक्सेसफुल थी कि अपनी बात को रखना चाहती थी सेल्फ रूल के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जो है गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए ये स्वराज पार्टी ने जो है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का यूज किया था। तो ये जो आपका एक इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन है। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम क्या है। नाउ यूपीएससी में जो है जनरली इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वो कौन कब प्रेसिडेंट था, किस ईयर में हुआ, कोई भी आईएनसी की पर्टिकुलर सेशन रही जिसमें कुछ थीम डेवलप हुआ, जैसे 1929 का लाहौर सेशन हुआ जहां पूर्ण स्वराज की बात की गई, तो ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट सेशन आईएनसी के होते हैं तो उन पे बेस्ड यूपीएससी टाइम एंड अगेन रेगुलर फ्रिक्वेंसी पे क्वेश्चन पूछता है, उसी बिहार पे क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आस्क एस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज इट्स 39th एनुअल सेशन एट बेलगाम। जो 39th एनुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो बेलगाम में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है क्या करेक्ट है इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमसे बोलता है कि महात्मा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, ये जो सेशन 39th इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था इसके प्रेसिडेंट जो थे वो महात्मा गांधी थे, तो क्या ये सही है क्या ये गलत है ये आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट थ्री बोलता है कि दिस वॉज द ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाई द गांधी जी, ये सिर्फ एक सेशन है जहां पे गांधी जी ने जो है प्रेसाइड किया था, ये हमसे बोल रहा है कि जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे, तो यहाँ एक एक्सट्रीम सेंटेंस यूज किया गया है, द ओनली सेशन, सिर्फ एक सेशन है जिसमें जिसको जो गांधी जी ने प्रेसाइड किया था, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिर हमें एक क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज और इनकरेक्ट, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इमोशन में आके आप करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कितने आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या एक, ऑप्शन ए बोलता है क्या एक, क्या दो स्टेटमेंट गलत है, क्या तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, या तीनों में से कोई भी नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। नाउ वीडियो को पॉज करके एक बार एनालाइज करें, ऑप्शन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें एंड करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करें। नाउ ये बेलगाम जो है आज के मॉडर्न डे कर्नाटका में लोकेटेड है, और इन द ईयर 1924 यहाँ पे जो है 39th
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि 39th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है बेलगांव में हुआ था, जो कि मॉडर्न डे कर्नाटका में लोकेटेड, और किस ईयर में हुआ था, 1924 में। और आईएनसी के सेशन को जो जिन्होंने प्रेसाइड किया था, जो प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी थे। सो उस पर्सपेक्टिव से आपका जो स्टेटमेंट टू है वो भी करेक्ट हो जाता है कि यस, महात्मा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, तो ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। नाउ जो तीसरा स्टेटमेंट बोलता है, दिस वॉज द वनली सेशन प्रेसाइडेड बाय द गांधी जी, ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि गांधी जी ने सिर्फ एक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को एज अ प्रेसिडेंट प्रेसाइड किया था, एज अ प्रेसिडेंट जो प्रेसाइड किया था, सिर्फ बेलगाम 1924 का ही वो आईएनसी का सेशन है, राइट, 1924 में, जिसको गांधी जी ने ऐसा प्रेसिडेंट जो प्रेसाइड किया था। तो ये ऑप्शन थ्री भी यू नो करेक्ट है। नाउ ऐसा प्रेसिडेंट यहाँ पे बात की जा रही, पहली बार गांधी जी ने जो है आईएनसी के सेशन में 1901 में 1901 में जो कि कलकत्ता में कंक्लूड हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 1901 में गांधी जी लॉयर थे साउथ अफ्रीका में, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, और वो इंडिया आते हैं 1901 के आईएनसी के सेशन में, और आईएनसी के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके वहां अपनी बात रखते हैं कि आईएनसी को भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज उठानी चाहिए। तो पहली बार 1901 में जो है गांधी जी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एंड जब इंडिया आने के बाद अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में पहली बार जो है गांधी जी जो है ऐसे मेंबर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की समिट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे मेंबर ये पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट जो है सिर्फ बेलगाम में 1924 में इन्होंने जो है प्रेसाइड किया था। तो इट इज द वनली सेशन, तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना। तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों ही सही हैं। नाउ यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन कि गांधी जी की जो भी आईएनसी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, यूपीएससी में शायद प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इंपॉर्टेंट इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कब पहली बार पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने ये 1901 में जो एज ए डिस्कस, तो ये पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इस कंटेंट को रिवाइज कर लें। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरोपियन अराइवल से रिलेटेड इंडिया में, जनरली सब्सिक्वेंट प्रिलिम्स में जो है कुछ डोमेन पे जो यूपीएससी का फोकस था कि जो ये यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए, कौन से आइटम को, लिस्ट ऑफ द आइटम को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते रहते थे, किस ईयर में आए, ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है। पहले इनकी सीक्वेंस के बारे में पूछ लेता है कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए इनके सीक्वेंस क्रोनोलॉजी क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। अब जो नो रीसेंट ट्रेंड ऑफ पैटर्न है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ इंडिया में, तो वो कौन कौन सी सिटी में की थी। यहाँ पे थोड़ा इजी क्वेश्चन डाला है कि आपको फर्स्ट फैक्ट्री आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस एग्जामिनेशन से प्रिपेयर होने के लिए आप लिस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज पहले से ही बना ले कि कहाँ कहाँ पे इन ट्रेडर्स ने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, किस किस ईयर में की, ताकि फैक्चुअल क्वेश्चन आप इजीली आइडेंटिफाई कर ले। उसी भी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स इन प्री इंडिपेंडेंट 1947 से पहले जो भी हमारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए उनके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन्होंने अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर फर्स्ट फैक्ट्री, यानी कि जो फर्स्ट फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट है वो किस जगह पे किया था और किस साल में किया था, ये जो पेयरिंग है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें एक साइड पे आपके यूरोपियन ट्रेडर्स मेंशन है, उनकी पहली फैक्ट्रीज मेंशन है और किस ईयर में एस्टैब्लिशमेंट है ये मेंशन है। हमें करेक्टली इनकरेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मेंशन किए गए हैं। पहला आपका बोलता है पोर्चुगीज, जो पोर्चुगीज ट्रैवलर आए उनकी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में इन्होंने एस्टैब्लिश की, और किस साल में यहाँ बोल रहा है 1503 AD में। तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। जो सेकंड है आपका डच के बारे में बोलता है कि डच जो आए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम एस्टैब्लिश की, और किस साल में बोल रहा है 1605 AD में। तो क्या करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सब्सिक्वेंट ब्रिटिशर्स के बारे में, दैट इज इंग्लिश के बारे में बोलता है कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में एस्टैब्लिश की, और जो ईयर था वो 1613 AD है। तो क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये आइडेंटिफाई करना है। एंड द लास्ट दैट इज़ द फोर्थ, इसमें बोलता है कि जो फ्रेंच थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में एस्टैब्लिश की, और किस साल में की, ये बोलते हैं 1668 AD में।
तो कितने यहाँ पे आपके पेयर्स जो करेक्ट हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या एक पेयर सही है, क्या दो सही हैं, क्या तीन सही हैं, या चारों के चारों ही पेयर आपके यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, पेयर्ड है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। एक बार वीडियो को पॉज करके थॉट प्रोसेस दें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्ट मेंशन्ड है। नाउ प्रोसीडिंग, पोर्चुगीज एज यू नो कि इंडियन लैंडमार्क पे वास्को डगामा जो है 1498 पे इंडियन लैंडमार्क पे आता है, और कहाँ पे आता है, कैलिकेट में आता है। कैलिकेट के उस टाइम पे रूलर जो थे जैमोरिन थे, उनके बिहाफ पे आता है ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो वास्को डगामा के अराइवल के बाद सब्सिक्वेंट पोर्चुगीज ट्रेवलर जैसे अब वहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो इंडिया में आते हैं, जैसे अल्मीडा हुए, अल्फांसो डियरबर्कुक हुए, नीनो डुक की कुन्हा हुए, जो कि पोर्चुगीज एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में करते हैं 1498 के बाद। और उनका जो पहली फैक्ट्री है पोर्चुगीज ने वो कोचीन में ही इस्टेब्लिश की थी, कैलिकट, कोचीन एंड कैनोर, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट किया था। पहली फैक्ट्री इन्होंने जो है कोचीन में इस्टेब्लिश की थी, तो फर्स्ट हाफ करेक्ट है। और किस साल में की थी, 1503 एडी में, राइट। 1503 एडी में जो है पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कोचीन में एस्टैब्लिश की थी, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सब्सिक्वेंट आप देखेंगे कि 1510 में जो है इन्होंने जो पोर्चुगीज ने गोवा को जो है एक्वायर करते हैं आदिल शाह से, राइट। तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन शायद पुट अप किया जाए। तब जो दूसरे आपके दिए गए हैं डच, डच का बोला गया है कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूली पट्टनम में स्टैब्लिश की थी, ये करेक्ट है। डीएम एस एन एक्रोनिम बना लो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डच की जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूली पट्टनम में थी, और इसको जो है पहला ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट जो है 1605 एडी में, तो ये भी आपका करेक्टली मैच्ड है। ऑल द ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पहली जो है स्टैब्लिश नहीं लेकिन एक मेकशिफ्ट जो फैक्ट्री जो मसूली पट्टनम में की थी, लेकिन ड्यू टू इनके डिस्प्यूट जो पोर्चुगीज चल रहे थे और उस टाइम पे जो रूलिंग किंग थे जहांगीर थे, उन्होंने जो है 1613 में जो है इंग्लिश को जो है परमिशन ट्रेडिंग फ्री ट्रेड का जो है परमिशन ग्रांट करते हैं इन द ईयर 1613 में, और इनकी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में इस्टेब्लिश होती है। तो तीसरा भी आपका करेक्ट है कि तीसरा भी आपका यहाँ पे करेक्ट है कि 1613 में सूरत पहली फैक्ट्री थी जहाँ पे इंग्लिश अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। एंड सब्सिक्वेंट फोर्थ स्टेटमेंट भी, इंग्लिश और फ्रेंच की पहली फैक्ट्री जो है सूरत में ही इस्टेब्लिश की गई थी, सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे, राइट। सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे और इन्होंने जो है 1668 एडी में जो है अपनी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री जो सूरत में इस्टेब्लिश की थी। तो इस पर्सपेक्टिव से ये चारों के चारों ही आपके करेक्ट हैं और इनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट करेक्टली मैच्ड है। ईजी टू को ऑप्शन दिया है ताकि आप ईजिली रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप बैठें तो एक बार रिवाइज कर लें कि कहाँ कहाँ पे पहली फैक्ट्री के अलावा और कौन कौन सी सिटीज़ में या कौन सी लोकेशन में किस ईयर में यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया था, बियॉन्ड क्या आइटम्स के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन डी, कि सारे के सारे ही सही हैं, दैट मींस कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, जो सीक्वेंस आपका प्रोवाइड किया गया है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पोलेट करके आप रिवाइज करें, क्योंकि इस जोन से जो है यूपीसी टाइम एंड अगेन क्वेश्चन जो है पूछता आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी वॉर से रिलेटेड, हिस्ट्री में जो है वॉर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रहा है, इसमें डायनेस्टीज का चेंज, टाइमलाइन का चेंज, कौन रूलिंग डायनेस्टी कब रूल करेगी, ये वॉर से ही डिसाइड होता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन मेंशन किया गया है, जिसमें कुछ वॉर का नाम दिया गया है और उनसे एसोसिएटेड जो पार्टीज हैं, जो भी पार्टीज के बीच में ये बैटल हुई है उसके बारे में यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेंशन किया गया है। यू नीड टू आइडेंटिफाई, इसमें आपसे पहला जो पेयरिंग दिया गया है ये बोला गया है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुई थी। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, ये पेयरिंग ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड आपका जो बोलता है बैटल ऑफ वैंडीवाश जो है फ्रेंच वर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जो वैंडीवाश की लड़ाई हुई थी वो फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। Now, option C says that the Battle of Chilianwala, ये डलहौजी और मराठास के बीच में हुई थी, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चौथा जो है बैटल ऑफ खरदा बोल रहा है कि बैटल ऑफ खरदा जो है निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, तो ये चारों को आपको आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्दर आपसे बोलता है कि आइडेंटिफाई हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और करेक्ट, यहाँ पे आपको जो है
करेक्ट पेयरिंग आइडेंटिफाई करना है कि कितने पेयर्स यहाँ पे जो आपके करेक्टली मेंशन है, क्या एक पेयर सही है, क्या दो सही है, क्या तीन सही है, या चारों के चारों ही आप पे आपके करेक्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लें इन क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नाउ जो पहला आपका मेंशन किया गया है वो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बोला गया है। बक्सर का युद्ध एक इंपॉर्टेंट बैटल है इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी, मोर स्पेसिफिक ब्रिटिशर्स के रूल को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफर्म कर दिया था। बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी, उसमें एक बिगनिंग हुई थी, लेकिन उस बिगनिंग को जो फॉर्मर कंक्लूजन था वो बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ, इसने अफर्म कर दिया था। तो बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई 1764 में हुई थी और ये ब्रिटिशर्स अलोंग विद जो उस समय बंगाल का रूलिंग गवर्नर था उनके बीच में हुई थी, और बंगाल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय, अरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो वर्स आपके जो है मीर कासिम अलोंग विद मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड शुजाउद्दौला जो थे, एक पार्टी में थे ये लोग, एंड इनकी जो बैटल है वो हेक्टर मोनरो के साथ हुई थी। और ये बैटल में जो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज ब्रिटिशर्स जो विक्टोरियस हुए थे, तो ये जो आपकी मैचिंग है यहाँ पे ये गलत हो जाती है। यहाँ पे क्लाइव की जगह जो है हेक्टर मोनरो थे और सबसिक्वेंट साइड में मीर कासिम शाह आलम टू अलोंग विद शुजाउद्दौला थे। नाउ यहाँ पे हेक्टर मोनरो की बात की गई है, तो यूपीएससी में जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पर्सनालिटी बेस्ड जब पूछे जाते हैं तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हेक्टर मोनरो और एक दूसरी पर्सनालिटीज हैं थॉमस मोनरो, ये दोनों ही नाम बड़े राइमिंग के साउंड हो रहे हैं, मोनरो मोनरो, लेकिन इन दोनों का एसोसिएशन अलग से है। हेक्टर मोनरो जो है बैटल ऑफ बक्सर से एसोसिएटेड एंड थॉमस मोनरो जो है हम रायतवारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में रायतवारी सिस्टम की शुरुआत हुई थी उससे एसोसिएटेड जो आपके ये थॉमस मोनरो है। तो आरटी ऐसे नेमोनिक्स बना ले आप, रायतवारी सिस्टम से एसोसिएशन किसका है, थॉमस मोनरो का, और हेक्टर मोनरो जो है बैटल ऑफ बक्सर से एसोसिएटेड। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको जो कन्फ्यूज करने के लिए अगर स्टेटमेंट में डाले जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ आप थोड़ी प्रिकॉशन की जरूरत है। तो ये पहला पेयर यू कैन सी कि यहाँ पे आपका जो गलत हो जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे। नाउ जो सेकंड है आपका बैटल ऑफ वेंडीवाश के बारे में बोलता है, वेंडीवाश के युद्ध के बारे में बोल रहा है यहाँ पे कि फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो ये करेक्ट पेयरिंग है, 1760 में जो है बैटल ऑफ वेंडीवाश जो है फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। एंड फाइनली ये जो बैटल है कॉलोनियल वॉर का, जो सबसिक्वेंट कॉलोनियल रूलर जो इंडिया में आया तो उनकी आपस के बीच में भी लड़ाई होती आ रही थी, तो बैटल ऑफ वेंडीवाश ने फ्रांस के रूल को इंडिया में समहाउ खत्म कर दिया था। इनका ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इज ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में सबसिक्वेंट रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी लड़ाई चली आ रही थी। नेपोलियन के बारे में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, उनके बीच में लड़ाई चली आती, लेकिन इंडिया में जो बैटल ऑफ वेंडीवाश जो 1760 में हुआ इसमें फ्रांस डिफीट हो जाता है और फाइनली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सुप्रीम रूल स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो है स्टेटमेंट बी जो है आपकी ये पेयरिंग सही है। तीसरा जो आपका बैटल ऑफ चिलियावाला के बारे में बोला गया, इसमें डलहौजी और मराठास के बारे में बोला गया कि इनके बीच में ये बैटल हुआ था, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट है। बैटल ऑफ चिलियावाला जो है आपकी ब्रिटिशर्स और सिक्स के बीच में हुआ था, जो पंजाब में रूल कर रहे थे सिख अंपायर था उनके बीच में ये बैटल ऑफ चिलियावाला हुआ था, जो कि 1849 में हुआ था ये बैटल ऑफ चिलियावाला। ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड गव जो थे वो थे एंड पंजाब का स्ट्रेंथ जो है शेर सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। ऐसे उन्होंने कि राजा रंजीत सिंह जो है पंजाब के प्रोविंस में रूल कर रहे थे और उनकी ट्रीटी जो है ब्रिटिशर्स के साथ थी, जिसकी वजह से एक लंबे टाइम पीरियड तक ब्रिटिशर्स कभी भी जो है पंजाब प्रोविंस पे इन्वेड नहीं करते हैं, लेकिन राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो है ये ऐसी बैटल जैसी सिचुएशन अराइज होती है, और इसी पर्सपेक्टिव से 1849 में ये बैटल ऑफ चिलियावाला बिटवीन सिक्स एंड द ब्रिटिशर्स दैट इज एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था इसी को जो है बैटल ऑफ चिलियावाला बोलते हैं। और उसमें ऑल्दो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, लेकिन इस वॉर जो है लीड किया था लॉर्ड गव ने, तो इस पर्सपेक्टिव से यहां पर मराठास ना होके तीसरा जो है आपका बैटल ऑफ चिलिया वाला ये गलत हो जाता है। सबसिक्वेंट जो बैटल ऑफ खुर्दा है ये निजाम बस ईस्ट इंडिया यहां दिया गया, लेकिन यहां पे ईस्ट इंडिया ना होके निजाम ऑफ हैदराबाद वर्स मराठास के बीच में हुई थी।
मराठास अंपायर और निजाम के बीच में, निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में जो लड़ाई हुई थी जिसमें फाइनली जो है मराठास विक्टोरियस हुए थे, तो इस पर्सपेक्टिव से ये आपका डी भी गलत हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक पेयर दैट इज बैटल ऑफ बैंडीवास जो है यहाँ करेक्ट पेयरिंग है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो यू कैन सी कि यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। ये कुछ स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस टॉपिक को रिवाइज कर लें। ऐसे बैटल से रिलेटेड यूपीएससी में टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक्वेंस क्रोनोलॉजी किस ईयर में हुआ था, इस बैटल का आउटकम क्या था, किन किन के किन किन इंडिविजुअल पार्टीज के बीच में जो है बैटल हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे यूपीएससी या सेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोलता है, देखने में इजी टू वो दिख रहा है कि छोटा सा ऑप्शन है, सब कुछ बढ़िया सा लग रहा है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं आप उसको करेक्टली प्रैक्टिस कर पाते हैं या नहीं। इसमें हमसे बोल रहा है, हु इंट्रोड्यूस इस्तमरारी सेटलमेंट, इस्तमरारी सेटलमेंट को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए में आपसे वेलेस्ली के बारे में बोल रहा है, ऑप्शन बी आपसे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बोल रहा है, ऑप्शन सी आपसे लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में बोल रहा है, ऑप्शन डी से इस लॉर्ड डफरिन। तो इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है किसने जो है इस्तमरारी सेटलमेंट की जो है इंट्रोडक्शन इंडिया में की थी। नाउ इस्तमरारी सेटलमेंट के बारे में जानते हैं, ये टर्म जो है थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट की जो शुरुआत हुई थी, परमानेंट सेटलमेंट को ही इस्तमरारी यू नो सेटलमेंट बोलते हैं, और इसको और भी डिफरेंट नाम से बोलते हैं, जैसे जागीरदारी सिस्टम, बिस्वदारी सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो है इस परमानेंट सेटलमेंट को जो है यू नो यूज़ किया जाता है। तो अगर परमानेंट सेटलमेंट तो आपको इजी टू गो याद होगा, लेकिन ये और भी सारे टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं वो सारे एसोसिएटेड हैं लॉर्ड कार्नवालिस से, जो कि 1793 में इस इस्तमरारी या परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत जो बंगाल प्रोविंस में जो है ये आपके लॉर्ड कार्नवालिस करते हैं, उस टाइम के जो भी वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे बंगाल के, उनके साथ जो है इस सेटलमेंट की शुरुआत की जाती है। उसका कोर पर्पस था कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं उनको जो है सब प्रोपराइटर बना दिया जाता है उन लैंड का, जो भी जमीन जो है इन जमींदारों के एम्बिट में थी, ये ब्रिटिशर्स जो गवर्नर थे लॉर्ड कार्नवालिस, वो उन लैंडलॉर्ड्स को जो है उसका प्रोपराइटर बना देते हैं। और इसका पर्सपेक्टिव ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, एक फिक्स सम ऑफ रेवेन्यू जो है रेगुलरली ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको जो है ये रेगुलरली जो इंडिया में जो है ये लैंडलॉर्ड जो प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड सब्सिक्वेंट जो उसके बियॉन्ड का जो रेवेन्यू है वो लैंडलॉर्ड्स ये जमींदार है अपने पास रखेंगे, और इसके बदले में जो है ये ब्रिटिशर्स इन जमींदार की प्रोप्राइटरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। ये हेरिडिटरी था, यानी कि एक जमींदार अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता था, या बियॉन्ड दैट एक जमींदार अगर बेचना चाहे उस जमीन को तो बेच सकता था, ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन वो तभी तक पॉसिबल था जब तक ये जमींदार जो रेवेन्यू टाइम एंड अगेन टाइमली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करते थे। तो उसी प्रथा को जो है इस्तमरारी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। लेकिन इस सेटलमेंट का जो एक मिसयूज शुरू होने लग गया, मिसयूज क्या था कि एक फिक्स सम ऑफ रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को इन लैंडलॉर्ड्स को देना होता था, उसके बियॉन्ड जो भी रकम या जो भी रेवेन्यू होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, ये लैंडलॉर्ड्स अपने पास रखते थे। तो क्या कर इन लैंडलॉर्ड्स ने क्या करना शुरू किया, जो कल्टीवेटर्स थे पीजेंट्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, एक सर्टेन सम ऑफ जैसे 100 रुपए की प्रोडक्शन हो रही है तो वो कोशिश करते थे कि पहले से फिक्स है कि 40 रुपए सिर्फ ब्रिटिशर्स को देना है और 60 खुद रख सकते थे, तो पूरा कोशिश करते थे कि 100 से प्रोडक्शन 200 हो जाए, राइट, पीजेंट्स को फोर्स करते थे। तो एक एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस जो है इस इस्तमरारी सेटलमेंट में जो है डेवलप होती है, एंड इसीलिए इसका जो फेलियर होता है, राइट। तो यू कैन सी दिस एक्सप्लेनेशन की इस्तमरारी या मालगुजारी या इस अलग अलग टर्म से जो इसका यूटिलाइजेशन होता है बोला जाता है, एंड 1793 में जो पर्टिकुलर इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल जो ये प्रैक्टिस जो है शुरू होती है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, ताकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है अगर आपसे पूछे कि परमानेंट सेटलमेंट या रायतवारी सिस्टम जो अभी हमने देखा कि उसके थॉमस मुनरो से एसोसिएटेड थे, जिसमें पीजेंट से डायरेक्ट जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड अवेलेबल है, और महलवारी सिस्टम तीसरा जो है आपका महलवारी सिस्टम, जहाँ पूरा महल एक गाँव इन्वॉल्व होता था रेवेन्यू जो है देने के लिए, राइट। तो तीनों ही किस किस प्रोविंस में इन सेटलमेंट को ले आया गया था, रूलिंग गवर्नर जनरल या जो भी ब्रिटिश इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है, कौन कौन इनसे एसोसिएटेड है, इस पे बेस क्वेश्चन पुट अप की जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज कर लें, परमानेंट सेटलमेंट अलोंग विद द महलवारी सिस्टम, एंड तीसरा जो है आपका रायतवारी सिस्टम, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड वीडियो को पॉज करके फर्दर टाइमिंग उसको रिवाइज कर लें आप।